युवा रामलीला नाटक क्लब मझेड़ा अपने 33वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। ये कहना है युवा रामलीला नाटक क्लब मझेड़ा के अध्यक्ष श्री प्रदीप कोंडल जी का। उन्होंने बताया कि इस वर्ष रामलीला नाटक का शुभारंभ स्थानीय विधायक श्री रविंदर धीमान जी 10 अक्टूबर को शाम 8 बजे करेंगे। उसके बाद हर रोज रात के समय रामलीला नाटक क्लब के कलाकारों द्वारा रामलीला नाटक पेश किए जाएंगे, जिसका समापन 19 अक्टूबर दशहरे वाले दिन किया जाएगा। पेश है रामलीला के उपलक्ष में युवा रामलीला क्लब मझेड़ा के अध्यक्ष श्री प्रदीप कोंडल जी का संदेश। जय श्री राम। मैं प्रदीप कोंडल, अध्यक्ष युवा रामलीला क्लब मझेड़ा। युवा रामलीला क्लब मझेड़ा की तरफ से रामलीला का शुभ आरंभ 10 अक्टूबर 2018 को किया जा रहा है। रामलीला का शुभ आरंभ स्थानीय विधायक श्री रविंदर धीमान जी के कर कमलों द्वारा रात को 8 बजे किया जाएगा, तथा उसके बाद रामलीला नाटक की शुरुआत की जाएगी। युवा रामलीला क्लब लगातार पिछले 32 वर्ष से रामलीला का नाटक करता आ रहा है और इस वर्ष 33वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है, यानी कि हमारी रामलीला के 2 चरण पूरे होने के बाद अब तीसरे चरण की रामलीला का 5वां वर्ष में प्रवेश हो रहा है। इस शुभ मौके पर मैं प्रदीप कोंडल, अध्यक्ष युवा रामलीला क्लब के सभी सदस्यों की ओर से आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूँ और विनती करता हूँ कि आप भारी से भारी संख्या में आए और रामलीला को देखें तथा हमारे कलाकारों की हौसला बधाई करें। साथ में 13 सितंबर 2018 को सीते सितंबर के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, उसका प्रसाद भी जरूर लें, तथा 10 दिन के अंदर रामलीला में और भी भंडारों का आयोजन किया जाता है, जिसकी जानकारी कला मंच के माध्यम से दी जाती है। तो मेरी सभी से विनती है कि 10 अक्टूबर 2018 को युवा रामलीला क्लब कला मंच के सामने आए और सभी कलाकारों को अपना आशीर्वाद दें। मैं एक बार फिर से समस्त जनता से अपील करता हूं कि 10 अक्टूबर 2018 को रामलीला के शुभ आरंभ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और हमारे विधायक श्री रविंदर धीमान के विचारों को सुने, क्योंकि वह पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं, तथा साथ में मेरी पुलिस और प्रशासन से भी विनती है कि वह भी समय समय में आकर श्री राम जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं, ताकि ताकि शरारती तत्वों को भी थोड़ा डर पैदा रहे। धन्यवाद।